यह बैंक बाकी बैंकों से ज्यादा ब्याज देता है और उसके लिए आज आखिरी तारीख है, इसलिए लोगों की ज्यादा भीड़ है। अरे दूसरे बैंक से 2% ज्यादा ब्याज मिल रहा है। हेलो पापा जी, मैं बैंक में हूँ। आज स्कीम तो आपने लिया सर, हमारा फॉर्म भी भर दो ना। नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण। नमस्ते। अकाउंट नंबर? 2% ज्यादा ब्याज की लालच में इन लालचियों ने देखो कितनी भीड़ लगा रखी है यहाँ पे। आप क्या यहाँ दान देने आए? अरे नहीं भाई साहब, फिक्स करना है। आप कितना करोगे? 5। बेटी की पढ़ाई के लिए? ना, ये बेटे के लिए है और ना उसकी पढ़ाई के लिए, ये लड़की की शादी के लिए है। फाइनल कितना हुआ? 1500 करोड़। ये तालियां किस लिए बजा रहे हैं? आपके इस 5 लाख के साथ हमारा डिपॉजिट 1500 करोड़ तक तो पहुंच गया है। तो कोई इनाम देने वाले हो? रसीद दूंगा। सिर्फ रसीद? सर, चेयरमैन साहब का फोन है, बात कीजिए। चलो उन्हें भी एक खुशखबरी दे देता हूँ। बता दीजिए। वरदराज जी, सर मैं श्रीनिवास बात कर रहा हूँ। कालबा देवी से लेकर बोरीवली के बीच में सर सिर्फ हमारे बैंक ने 40 दिन में 1500 करोड़ रूपए जमा किए हैं। सर ये एक रिकॉर्ड है सर। जीते रहो पिट्टू, 1500 करोड़ रुपए। इतने रुपयों से तो रुपयों का पहाड़ बन जाएगा। अरे पहाड़ से मुझे याद आया, ऋषिकोंडा से भीमली के रास्ते पर पहाड़ों पर एक बलखाता मोड़ मिलता है, बिल्कुल लौंडिया की कमर जैसा। ठीक उसी मोड़ पर हमारी 10 एकड़ की जमीन है पिट्टू। वहाँ पर बैठकर दिल्ली मेरे पैरों के नीचे दबी हुई नजर आती थी। बचपन में मैं वहाँ बैठकर यही मजा लेता था। अगर मुझे CM की कुर्सी मिल जाए तो मुंबई भी मेरे पैरों तले दबी नजर आएगी, पर उसके लिए मेरे पास पावर होना चाहिए। लो आ गया। इसके लिए कम से कम हमें 1000 करोड़ तो चाहिए ही। मिल जाएंगे। बस 1000? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रिस्क उठाए हम और मलाई खाओ आप अकेले। देखा अपने भाई को, बिल्कुल खुजली वाला कुत्ता है ये। तुम्हारा भाई सिर्फ पैसे चुराने का रिस्क लेगा, पर उसकी जान कौन बचाएगा हैं? ये ट्रेवल मूर्ति है, इंडिया का नंबर 1 ट्रेवल एजेंट। ये वीजा और पासपोर्ट बनाएगा तुम्हारा, जिससे तुम लोग 24 घंटे में देश से भाग सको, और तुम्हारे 500 करोड़ रुपए अगले 48 घंटों में तुम्हारे स्विस बैंक अकाउंट में होंगे। साला औकात दिखाता है। ए लाला, कार में तुम्हें टायर, ब्रेक, सीट और स्टेयरिंग दिखाई पड़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है पेट्रोल, और अगर वो ना हो तो कार एक टीन का डब्बा है। मैं हूँ पेट्रोल। लाला, माना कि बैंक लूटने में बहुत रिस्क है, पर रिस्क तो लाइफ के हर मोड़ पर होता है। लॉकर तोड़ने में हम माहिर हैं, उसकी कीमत हम लोग लेंगे, और हमें जेल से दूर रखने में ये माहिर है। बताओ कब करना है? आज शुक्रवार है, सोमवार की सुबह ये सारा कैश रिजर्व बैंक में डिपॉजिट होगा। इतवार की रात को ये करना बेटर होगा। आज रात करें तो कोई प्रॉब्लम है? टाइम कम नहीं है। पैसा कमाने में टाइम लगता है, चुराने में नहीं, समझे? इसके लिए 8 नए छोकरे चाहिए जो एक दूसरे को ना जानते हो, लेकिन किसी को पता ना चले कि ये मेरा प्लान है। और कल जब बैंक खुले तो वहां चिल्लर के अलावा एक भी नोट नहीं मिलना चाहिए, समझ गए? लेकिन वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। मेरे प्लान पे किसी का बाप भी पानी नहीं फिर सकता। We'll be right back.
दखल हो गई थी। आजकल तुम्हारे बेटे की जुबान बहुत लंबी हो गई है। जानते हो भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ क्यों डाला? मधुमक्खी नहीं, सांड हो गया ये। अम्मा पराठा लाओ ना। हाँ हाँ, 10 और खिला दे इसे, भैंसा बना दे। बॉडी देखो जरा, ऐसे लगता है जैसे हीरो हो कहीं का। अपनी बॉडी दिखाकर मेरी फ्रेंड्स के आगे पीछे घूमता है उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। बढ़िया ही, तेरी फ्रेंड कोई हीरोइन है क्या? रवि तू आज से घर में भी शर्ट पहन, जाने दे नजर ना लग जाए। लक्षण अच्छे नहीं है इसके, रात को उल्लू की तरह जगता है और दिन में देर तक सोता है। ये गधे से घोड़ा तब बनेगा जब जल्दी उठेगा। जल्दी तो मुर्गा भी उठता है, उसे क्या मिलता है, लोग उसे खा जाते हैं ना। आखिर तू करना क्या चाहता है? बाबा मुझे मिडिल क्लास लाइफ नहीं जीनी है, बस एक चांस चाहिए और मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं आम आदमी की तरह मॉल के सेल में सामान नहीं लूंगा, फिल्म देखने के लिए थिएटर के बाहर लाइन नहीं लगाऊंगा, फिल्म भी देखूं तो रोक के रोक खाली होने चाहिए। ये तो तभी होगा जब तू गुंडागर्दी करेगा, रोकी छोड़ पूरा हॉल ही खाली हो जाएगा। पैसे कमाना बहुत आसान समझता है। पैसा कमाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कौन बोला ये? फिल्म का हीरो अपने डायलॉग्स बोल रहा है। ऐसी बातें फिल्मों में ही होती हैं। क्या गलत कह रहा है? लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं, लाख रुपए नहीं कमा पाते वो। मैं 5 साल में 50 लाख रुपए कमा सकता हूँ। 5 साल नहीं, 2 घंटे में लगभग 1 लाख रुपए कमा लूंगा। 2 घंटों में 1 लाख? ये मेरी 4 महीनों की तनख्वाह है, पूरे 120 दिन, और तू 120 मिनट में कमा लेगा? हाँ ये कर लेगा। हाँ बड़ा ही स्मार्ट लड़का है ये। 10,000। मुझे तो शॉपिंग के लिए 100 रुपए भी नहीं मिलते। अरे तू चुप रह, ये पैसा कमाने के लिए ले रहा है, तेरी तरह खर्च करने के लिए नहीं। ओए आंटी लोग, बिग बॉस के घर में क्या हो रहा देख लिया ना? ऐसी बात नहीं है बेटा, हमारे घर में रियलिटी शो देखने का रिवाज नहीं है। 1 लाख रुपए कमाए लेगा। ए सूरी, तू अब तक पहुंचा क्यों नहीं? यार मेरा पेट खराब है, तू जा। फोन रख। अब तक आपने सुना कि लड़का बाप से झगड़ कर पैसे को झटपट बढ़ाने की लालच में अपने एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट काम है, आप लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? उसने उससे लिफ्ट मांगी। वो अजनबी भी खजाने की लालच में आगे जा रहा था। इत्तेफाक से वो लड़का और वो अजनबी दोनों ने बिना एक दूसरे को जाने खजाने की तलाश में दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। अब रूबिक्स क्यूब, आप खेलते हैं? कहाँ जाना है? शिक्षक बाबू, पार्टी है। पार्टी के लिए पैसे चाहिए, पार्टी करने की अपनी औकात नहीं है सर। तो फिर IPL सीजन है ना, बैटिंग करने जा रहा हूँ। इस छोटे से शहर में भी बैटिंग होती है? कैसी बातें कर रहे हैं सर, जितना पैसा इस पब में एक रात में लगता है उतना तो इस स्टेट का एनुअल बजट भी नहीं होगा। पुलिस सोती रहती है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए सर, बैंक भी लुट जाए तो नहीं जाती जब तक उन्हें कोई जगाया नहीं। क्या पूरा टाइम रेडियो मिर्ची सुनता रहता है? रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पर मुझे रहने दे, मुझे रेडियो मिर्ची पसंद है। अरे बॉस यहीं पर रुकना, 2nd left 3rd building। जरा पैसे संभालना, कहीं चोरी ना हो जाए। होशियार रहूंगा, यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। चोर कभी वार्निंग देके नहीं आता। बस क्या सर, सिगरेट पैकेट पर वार्निंग होती है कि उसे पीने वाला मौत को गले लगा रहा है, लेकिन मेरी बात अलग है, मैं डायरेक्ट मारता हूँ लेकिन वार्निंग कभी नहीं देता। मुझे इन कलर्स को एक तरफ लाने में 1 हफ्ता लग जाता है, इस साले ने तो 5 मिनट में कर दिया। इतनी देर क्यों लगा दी? साले सूरी ने टांग दे दिया, उसी के वेट में यहाँ आने के लिए लेट हो गया। सिचुएशन क्या है? किंग्स 11 पंजाब 192। बाप रे, चेन्नई ने कितना मारा? CSK 148/4। धोनी है के गया? खेल रहा है, 20 बॉल पे 45 रन। तो टेंशन नहीं है। बैटिंग रेट 10 लगाओ 12 पाओ। हेलो फोन बंद कर यार, मैं बाबा को 1 लाख रुपए लाने का चैलेंज देकर आया हूँ। ए तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? धोनी 1 छक्का मारेगा तो 1 लाख मिलेंगे। अच्छा। और नहीं मारेगा तो सिर्फ 12,000 जाएंगे। अबे मेरे पास सिर्फ 10 है। टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। लिख लो, धोनी के 1 छक्के पे मेरे 12,000 लग गए। आपके हिसाब से आज का मैच कौन जीतेगा सर? अगर मेरे सोचने से सब हो जाए तो आज तक मैं करोड़पति नहीं बन गया होता। चाहे ये टीम जीते या वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाके पैसे लगा। अबे इसे क्या हुआ? धोनी के विकेट पे इसने 10 लाख रुपए लगाए थे लेकिन उसने मार दिया चौका और इसका बन गया स्टैच्यू। धोनी ने छक्का मारा, देखा क्या? अरे मैं तो पहले से ही क्लीन बोल्ड होके सो रहा हूँ। लाइट हाउस 1 लाख रुपए तैयार रखना। अरे बाप रे, मेरा तो नुकसान हो गया। अरे पुलिस आ गई। अरे चलो 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 चलो,
क्या साहब, आपको दो नंबर जाने का है क्या? उसे क्यों मारा? मेरे पास बार का लाइसेंस है, वो मेरा कस्टमर है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे पास सर्च वारंट है क्या? मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, एक मिनट पकड़ रहे, बहुत खुजली हो रही है। अब मिटिंग सर, हमें कहाँ पहुँचना है? हाँ, मेन रोड से सेकंड लेफ्ट थर्ड बिल्डिंग में। सर वहाँ पर एक पिक्चर पब है ना, वहाँ पर रेट डालें तो हमें पूरे स्टेट बजट जितना पैसा मिल सकता है। अच्छा, कंट्रोल रूम में फोन कर सर, और पूरे के पूरे स्टाफ को इधर बुला के ले, यहाँ का एड्रेस भी दे दे उन लोग को। ओके सर। हंस काहे को रहा है? मैंने कोई जोक मारा क्या? चलो ए, सब लोग लाइन लगाओ, सब की तलाशी लेनी है, ज्यादा बकवास की तो दूंगा। ये कोई लाफ्टर शो नहीं चल रहा है जो तू हंस रहा है? हंसने की वजह बता, नहीं तो। आपने जो एड्रेस बताया, सेकंड लेफ्ट थर्ड बिल्डिंग, एग्जैक्टली एक घंटे पहले मैंने किसी क्रिमिनल को बताया था। मैंने उनसे ये भी कहा था कि यहाँ पर बेटिंग होती है और एनुअल बजट से ज्यादा पैसा लगता है। यही बात सोचकर मैं हंस रहा था सर। मतलब ये इन्फॉर्मेशन देने वाला क्रिमिनल है? 100%। वो कोई शरीफ मानुस भी हो सकता है। अगर ऐसा होता तो नाम और नंबर बताता। कोई गुमनाम कॉल था सर। ओके, मैं समझ लो, क्राइम कहीं भी हो सकता है। पर कहाँ हो सकता है? हमारे इलाके की सारी पुलिस यहाँ है, और आपने बाकी फोर्स को भी बुला लिया। कंट्रोल रूम के पास का बैंक लूटने का, इससे अच्छा मौका और क्या होगा सर? इस बात की क्या गारंटी है कि वो लुटे रहे थे? इतनी भारी बरसात में वो ग्रुप आखिर क्यों निकला होगा? शादी होगी, मुहूर्त नहीं है, टूर के लिए लगेज नहीं था, चेहरा छुपाने के लिए मंकी कैप्स थे, कांटेदार तार काटने के लिए वहां कटर्स थे, लॉकर को खोलने के लिए बड़ा टूल बॉक्स था, और इन सबसे जरूरी, सबकी आंखों में डर था। कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा था, और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब हम कोई बहुत रिस्की काम करने के लिए निकलते हैं। मैं कैसे यकीन कर लूं? छोड़िए ना सर, लॉजिक कोई नहीं मानता, सबको मैजिक चाहिए, इसीलिए तो यहां साइंटिस्ट के बजाय बाबा फेमस है। प्रभु चला जाओ या। कहाँ जाना है? माचिस है क्या? कितने लोग हैं? लगभग 10 लोग होंगे। मतलब कम पैसा मिलेगा, इसलिए तो वायर कट करने के बाद मुझे कट करना है। ए, कौन है वहाँ? जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद, तब एक शोर निकलता है। काली सी सड़क पे ये आवाज आती है, चोर 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 चोर। अभी भी स्टाफ को होना चाहिए, उनके पास चाबी होगी।
तूने इन सबको मारा? तूने ही मारा ना? बोला इन्हें बोल, वो डर जाएंगे ना। श्रीनिवास हम हैं। तुम यहाँ का दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाएंगे। अब या तो तुम दरवाजा खोलोगे या तुम्हारी बीवी। थैंक यू। जाके लॉकर खोल। सबको मार दिया ना? तेरा यही प्लान था ना? अंदर आए तो थे 10, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते हम बस 2 बचे। अब यहां से कोई एक ही बाहर जाएगा, तू मुझे मार देगा ना? हाँ, क्रेन के ड्राइवर को भी मार दूंगा। कार का पीछा करके कुछ नहीं मिलेगा। वो जान बूझ कर लाइट जला के भाग रहे हैं, जबकि वो अंधेरे में बच के निकल सकते थे। ये क्रेन अभी तक खेल रही है, इसी से पैसा उठा रहा है। इसका इंजन भी ऑन है, दीवार इससे तोड़ी गई थी। एक बड़ा ट्रक इसी रास्ते गया है और उसी पर लदा है पैसा। सुन लदा भैया, तुम्हारे पीछे पुलिस है। थोड़ा सा आगे बढ़कर डंपिंग यार्ड है। हाँ। ट्रेलर वहीं छिपा ले। कोई सोचेगा भी नहीं कि उस कचरे में करोड़ों पड़े हैं। नजर ना आए, अगर किसी की नजर पड़े तो उसे वही खत्म कर दो। मैं वहां पहुंच रहा हूं। आप बस 1 मिनट इसे संभालिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। अंगूठे के बिना तीर चलाना और उंगली के बिना ट्रिगर दबाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लाला
फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाओ। सर पैसा यहीं कहीं आसपास होगा। लात मारते ही मुंह खोल देगा। सर अमाउंट बहुत बड़ी है, आपको अभी ढूंढनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो खून के इल्जाम में फंस जाएगा। चल जा। सर तुमसे खून हुआ है, बेहतर है इससे दूर रहो। प्रभु सर अभी को घर छोड़ दो। ओके ओके सर। की चार गाड़ियां छोड़ने आई थी, जरूर बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा। पुलिस जीप से उतरने वाला हर इंसान क्रिमिनल नहीं होता, वीआईपी भी हो सकता है। बाबा अपने आप को बड़ा वीआईपी समझता है, शक्ल से तो खून ही लगता है। जाके आईना तो देख। आईना तो मैं रोज देखता हूँ, माँ कहती है हीरो लगता हूँ और बाबा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। पी मैं रहा हूँ और चढ़ इसको रही है। फरार हो चुका है, प्रभु और तीन कांस्टेबल को मार दिया उसने। नेक्स्ट टारगेट तुम हो। क्रिमिनल्स की नजर से चश्मदीद को बचाने के लिए हम लोग उसका नाम जगह पत्ता सब बदल देते हैं। विटनेस रिलोकेशन प्रोग्राम ऐसे होता है। चार पांच महीने अपने फैमिली से दूर रहना होगा, बिट्टू पकड़ा जाएगा तब घर आ जाना। मेरे बाबा तो यही चाहते थे, है ना? मेरी ख्वाहिश तो इतनी सी थी कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। अब तुम जा रहे हो, सलामत रहो, खुश रहो। ये तेरा बाबा तेरे से नाराज नहीं हो तो बस परेशान। ऐसा कुछ नहीं है सर, जिस बैंक को लूटा गया उसमें इनके भी 5 लाख थे। अब इनसे बात तब करूंगा जब 5 महीने में 5 लाख कमा कर दिखाऊंगा। भेज दो सर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कहीं पर भी भेज दो, मैं चला जाऊंगा। इतना बजट नहीं है राजा, ज्यादा से ज्यादा अहमदाबाद भेज सकते। अहमदाबाद? चाराने की मुर्गी और बाराने का मसाला। सर आप ये विटनेस रिलोकेशन प्रोग्राम जैसे लंबे लंबे नाम क्यों छोड़ते हैं? सर जो जेल से भाग गया उसके लिए अहमदाबाद पहुंचना कौन सी बड़ी बात? सर आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये काम नहीं करेगा। इससे तो अच्छा बिट्टू की जगह मुझे गोली मारी है। सर आप मुझ पर विश्वास करो, तो मैं आपको एक प्लान बताता हूँ, उसे फॉलो कीजिए। दरअसल पेपर में पहली बार फोटो आएगा ना, थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। एक्सीडेंट की फोटो अच्छी दिखनी चाहिए? लॉजिक है सर, सीरियस लुक देता। मरे हुए का एक्सप्रेशन कैसे है राजा? सही कह रहे हैं सर, डेड लुक देता हूं, एकदम डेड लुक। मेरे बाबा बिल्कुल सीधे साधे इंसान है सर, अगर बिट्टू थोड़ी सी मारपीट कर देता तो वो सब सच उगल देते। इसीलिए तो अगर मैं मरा हुआ साबित हो गया तो बिट्टू रिलैक्स हो जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। अहमदाबाद में मेरा बैचमेट सीताराम रहते हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने उससे कहा तुम वहां नौकरी ढूंढने आ रहे हो, तुम उसी के साथ रहो, उसे बिट्टू के बारे में मत बताना, बहुत डरपोक है वो। Thank you.
साल की सर्विस में आपकी कृपा से मैं इस खिलौने का घोड़ा दबाना बिल्कुल भूल ही गया हूँ। इससे मेरी फाटे छे ये तो तुमने खबर अच्छे। हे घोड़ा, कहिए। घंटी वापस रख। आपको कैसे पता चला? घंटड़ी से गांडा, हिलने पर बजती है। ओहो, घंटी को पंडित ऐसे ले जाता है लेकिन चोर ऐसे। सर, आपको पुलिस में नहीं चोरों के स्कूल का प्रिंसिपल होना चाहिए था। बजाते रहिए। स्टेशन पर 8:30 बजे किसी को लेने जाना था ना? अरे छोड़ो, 8:30 बजे आएगी ट्रेन, बहुत टाइम है। तब तक हाफड़ा जलेबी खा लेता हूँ। जोर से लगी है बाथरूम का। उस तरफ। थैंक यू। ये कौन था? क्या पता। इसे पकड़ो, मुझे रेलवे स्टेशन जाना। क्या फायदा सर, ट्रेन तो पहुंच गई। तुम वही हो? रवि। सीताराम आईपीएस। जानता हूँ। मैं राजा का दोस्त। पता है सर, लेकिन एड्रेस ढूंढ लिया। कॉफी अभी मिलेगी? हाँ। बाद में लाना। कल्पू, बाद में बात करते हैं। ये है रवि, लोफर जैसा दिखता है। अब अंदर जाकर बात कर, इश्क मत लड़ा। पापा, मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं। मेरी बड़ी बेटी हॉट है सर। छूना मत, जल जाओगे। इसकी शादी तय हो चुकी है। मारो जमाई। पायलट छे। इसके साथ तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। ये मेरी बाईडी है मनीषा। अभी जो तन तनाती गई वो है तनीषा, और जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा वो है जिगीसा। और ये कौन है? जिग्नेश। ओ, बड़ी ही सा फैमिली है आपकी। और वो चोर है। ज्योतिषी हो क्या? सूंघ सकता हूँ, परफ्यूम चुराया इसने। सॉरी, चोरी छोड़ चुका है। इसकी एक स्पेशलिटी है, जब ये चोरी करता है पकड़ा जाता है। मैं तो पैर छूने जा रहा था, हाथ फिसल गया। हेलो टकलू अंकल, इधर उधर मत देख, सारा माल इधर दे, बैग नीचे रख, जल्दी जल्दी खोलना। हिंदी चिली, बाय बाय। जब ये भूखा मरने लगा तो मेरा सिरदर्द बन गया। हाय। अब ये कौन है? बताया तो था, सबसे छोटी वाली जिगीशा। हाँ। कितने साल की है? 8 साल 4 महीना 3 दिन। तो क्या पूरी क्रिकेट टीम बनाने का इरादा? शर्म करो, लेडीज हैं यहाँ पर। तुम लेडीज के साथ हॉल में क्या कर रहे हो? हाँ, बेडरूम खाली नहीं था ना। मजाक छोड़िए जीजा जी, कितनी बार कहा ऐसे क्रिमिनल्स को लेकर मेरे घर पर मत आया करो। पुलिस स्टेशन ही ले जा रहा था, रास्ते में जीप खराब हो गई इसलिए यहाँ ले आया। भूख तो नहीं लगी ना भैया? हाँ लगी है। कॉफी पियेंगे चोर जी? खिचड़ी पण खवड़ाओ, सरकारी मेहमान की मेहमान नवाजी कर रही हो। जाओ, क्या किया है इसने? कमिश्नर साहब के घर से उनकी बीवी की साड़ी चुरा ली। मैंने इतना पीटा फिर भी इस कमबख्त ने अपनी जबान नहीं खोली। इतना ढीठ निकला। और ये कौन है? वाल्मीकि है ये। बड़ा ही खूंखार इंट्रोगेशन स्पेशलिस्ट। बाय डैडी। बाय बाय। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को इन्होंने खून के आंसू रुला दिया। बस करिए जीजा जी, तारीफ करके मुझे रुलाएंगे क्या? पर तुम्हारे रहते ये बोला कैसे नहीं? और मैं क्या करूं जीजा जी, बैल छुरी काटा चम्मच तलवार सब कुछ इस्तेमाल कर लिया फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ। मैं तो साड़ी चुरा के भाग लेता लेकिन उसकी बीवी साड़ी पहनी हुई थी। वो कहते हैं ना सर, कलम में बहुत ताकत होती है। मैंने सही सोचा था, ये सचमुच बहुत बड़ा लोफर है। पता नहीं अब क्या गुल खिलाएगा। फूल भी कोई खाता है भला? गोभी का फूल भी तो खाते हैं। घी खाके अपनी माँ के जैसे मोटी हो जाओगी। माँ को मोटी बोला? इसका प्यार तो देखो, सौतेली होकर भी देखो ये तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। I love you. Life boy. Life में boy नहीं आता तब तक साबुन से ही काम चला। अरे बेटा, पर्दे के पीछे क्यों खड़ी हो बेटा, बाहर तो आओ। बाहर ही तो खड़ी हूँ पापा।
जरा होशियार रहना, यहाँ कॉलेज के लोफर टहलते हैं। मुझे तो कभी कोई नहीं दिखता। वैसे तो तुम्हें भी कोई नहीं देखेगा। लाइफ में सेटल होना है अंकल, उसके लिए छोकरी और नौकरी चाहिए। ये भी ठीक है, पहले छोकरी मिल जाए फिर मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। छोकरी पटाएगा कैसे? अरे उसका टेंशन मत लीजिए, आप छोकरी दिखाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे पास छोकरी होती तो मैं खुद अपने लिए उसे नहीं पटा लेता। आपसे पटेगी? और नहीं तो क्या, तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। फिगर है। का है का फिगर? अगर हवा चलेगी ना तो आपको भी दिखेगा। हवा का हल्का सा झोंका भी आया तो ये उड़ जाएगी। ए, ए, जब वो हंसी तो आपने उसके दांतों की चमक देखी? दांतों की चमक नहीं, बिजली चमकी होगी। अंकल मैं एक बार उससे मिलकर आऊंगा। अरे जाने की क्या जरूरत है, तो उसे आवाज तो आ जाएगी। रवि तुम एम मधु, हाँ अभी कुछ देर पहले जब आप मुस्कुराए तो यहाँ एक चमक सी हुई थी, वो इस तार की वजह से आई होगी। इधर इसके दांतों पर काटेदार तार क्यों लगे? क्यूट लग रही है। यार मैं अंधा हो गया, इसको छोड़ो, चलो अपने काम धंधे पे लग जाता हूँ। यहाँ होटल कहाँ है सर? सिग्नल के पास। वहाँ जाके चाय पियो। आपकी सफाई। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? शादियां करते हैं वो। और तुम्हारी माँ? सालों पहले गुजर गई। ओह सॉरी। फिर सौतेली? वो मुझे टॉर्चर करती रहती है। और कुछ? पूरी फैमिली पागल लगती है। वहाँ चाय पिए? यहाँ इतनी बरसात हो रही है तो मैंने सोचा चाय मजा आएगा। सॉरी, इसको भी अभी रुकना था। अच्छा जब तक बस नहीं आ जाती तब तक चाय पियेंगे तो। आ गई बस। हैप्पी जर्नी। अपना नाम? अब तो अपना नाम बताओ। मधु। बताओ वो दिखने में कैसी है? धांसू लड़की है। उम्र में तुमसे बड़ी है क्या? स्वीट 16 लगती है। ओ, बाल विवाह करोगे तुम? इतनी जल्दी शादी किसे करनी है? कौन शरीफ लड़की तुझ जैसे लोफर के साथ टाइम पास करेगी? क्या कह रहे हैं सर, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। मैं उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ और आप एक ऐसे उठपटांग बोल रहे हैं। चढ़ गई आपको, कुछ मत बोलिए आप। मैंने शरीफ लड़की कहा तो तारीफ हुई ना। कोई शरीफ लड़की भला बस स्टॉप पर किसी अनजान के साथ बात थोड़ी करती है। छे, बाप बेटी का दिमाग फिर गया। ये तो काम पर लग गया, अब तुम भी जाओ। यहीं पर दिखते हो, और कोई काम नहीं है? करूँ तो क्या करूँ? सॉफ्टवेयर में सैलरी सॉफ्ट है, हार्डवेयर बहुत हार्ड है, रियल एस्टेट में रियल गुंडे भरे हैं, कंस्ट्रक्शन में सैलरी कम है। फालतू नौकरी करूंगा तो घर वाले शादी कराएंगे और 2 साल बाद वो देखो वैसी हालत होगी और 5 साल के बाद उसके जैसी। हाँ?
जब तक बस नहीं आ जाती। क्या यार, पर तुम्हारे ऑफिस तो बस नंबर 21 जाती है। अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे यार, मुझे लगा बुलाएगी। लड़कियाँ बुलाती नहीं, लड़के आ जाते हैं। तो इतना परेशान क्यों होता है? सीरियल की हीरोइन नखरे दिखा रही है तो नई लड़की ले, उसका गेटअप चेंज करके 30 एपिसोड खींच। यहाँ भी गेटअप चेंज हो गया। इस पर कितने पैसे उड़ा के आई तू? सिर्फ 150 रुपए। शॉपिंग पर 25,000 खर्च किए तुमने? नहीं किए सर। तो फिर शॉपिंग की कैसे? मैं एसीपी सीताराम का रिश्तेदार हूँ, पता है? मेरा नाम सुना ना, इसलिए छोड़ दिया इसे। तो फिर ये बिल वो चुका देंगे। आ तो चीटिंग छे, गर्लफ्रेंड तेरी और खर्चा मेरा। तुम्हारे कितने थे? 10। मेरे 50 हैं। चिल्लाने से पैसे मिल जाएंगे क्या? अरे देखते क्या हो, देखते क्या हो, ये लो और मारो। सिर्फ 10 नहीं है, 1,500 करोड़ ले गए। तुमको ले जाने से रोका क्यों नहीं गया आपसे? अरे तुझे दिखता नहीं है क्या, अंधा हो गया क्या? ये क्या है? खच्चर है। और वो क्या है? हाकी। ये सवाल इससे पूछो। आगे आओ, आगे आओ। अगली बार ये वर्दी फाड़ देंगे। We are trying our best, sir. अब ये बात इन्हें हिंदी में जाके समझा। डकैती होने वाली रात को बिट्टू गैंग के 2 क्रिमिनल्स ने सिग्नल को तोड़ा था। इलेक्ट्रॉनिक कैमरा ने उनका फोटो लिया था। बिट्टू की फोटो भी हमारे ढेर सारे पुलिस स्टेशन में मौजूद है। इस पर हमारी एक प्रेस रिलीज भी है। Our intention is very clear. We are going to catch the criminals. यहाँ छुप कर बैठने की बजाय तुम्हें मेरे साथ बाहर आना था। मैं बाहर आता तो तुम्हें अंदर छिपना पड़ता। मूर्ति जी सर, इन सबको बाहर भेजो। जितना जल्दी हो सके इनका नकली पासपोर्ट बनवा दो। इन सबका नकली पासपोर्ट बनाना आसान नहीं है सर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। इनका अपना फोटो, गलत नाम, गलत पता, पहले ये सब तो यहाँ भिजवाइए। अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भेजो। कौन जाएगा वहाँ बताओ। हेलो। नाम सत्तार और हाइट 6 फीट। बैठा होगा तो हाइट कैसे पता चलेगी? मैं जानता था तुम मुझसे पूछोगी। उसके पास तुम्हारी फोटो है, वो तुम्हें ढूंढ लेगा और एक लिफाफा देगा, उसे संभाल कर लाना। सत्तार यहीं पर है, गेट रेडी। पार्ट नंबर टेबल पे चाहिए दे। मुझे यहाँ से जाने दे। कोई गड़बड़ हुई तो ये लड़की मारी जाएगी। हमारे ऑफिसर्स अभी आने वाले हैं, वो तुमसे बात करेंगे। तुम अपनी डिमांड उनको बताना, तब तक हमें समय दो। क्या सिचुएशन है? एक बच्ची को उसके निशाना बनाया हुआ है। ये तो जिंदा है। अच्छा है कि कोई मरा नहीं। ये कैसे गिरा सर? कैसे गिरा ये? हाँ, उसने गिराया। मैंने गिराया। कैसे सर? काला चश्मा उतार कर चेहरे के एक्सप्रेशन को दिखा। तुझे शूटिंग आती है? पिस्तौल से तो बच्चे भी खेलते हैं, बस निशाना लगा और बिना डरे ट्रिगर दबा दो। बिना डरे ट्रिगर दबाएगा तो हथकड़ी लगवा कर जेल में भी जाएगा। बाथरूम में बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एसिड डालते हैं सर, परफ्यूम नहीं।
किसी बच्चे की जान खतरे में हो तो बातचीत में टाइम नहीं गंवाते, खतरे को खत्म करते हैं। सर, इस हादसे के बारे में कुछ कहेंगे? इसे कहते हैं इंस्टेंट सॉल्यूशन। बाथरूम के बैक्टीरिया मारने के लिए फिनाइल डालते हैं ताकि बैक्टीरिया मरे और सुगंध भी आए। पर वहाँ क्या हो रहा है? वाल्मीकि जी, बॉडी हटवाइए। हाँ हाँ जीजा जी। क्या है, बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? तुम वहाँ होती ने तो बेहोश हो जाती, चारे बाजू खून था, मगर सोचे गोली चला दी इसने। वापस आते जरे मेरी आँख लग गई तो सपने में प्रेसिडेंट मेडल मिल रहा था मुझे। लेकिन प्रेसिडेंट मेडल मिलना तो अच्छी बात होती है। मेरी बेवा बनकर तुम ले रही थी मेडल। अपनी सर्विस में तो क्या, ट्रेनिंग में भी गन नहीं चलाई मैंने। कोई बात नहीं, मैं चलाना सिखा दूंगा सर। मुझसे गोली चलवा कर तो दिखाओ, अहिंसावादी हूँ मैं। आओ बैठक लगाते हैं। जिसे गाली दे रहे थे उसी के साथ बैठक लगाओगे? लड़कियों से लात खाने के बाद क्या लोग शादी करना छोड़ देते हैं? फिर भी करते ही है ना, ये केस वैसा ही है। फिल्म तुमने बनवाई और पोस्टर पर जीजा जी का फोटो छपवा दिया। छोड़ो, भूल जाओ उस बात। जिसको तुमने गोली मारी ना, उसकी जेब से इसी ट्रैवल एजेंट के ट्रैवल पेपर्स मिले हैं। तुम्हारी वजह से जीजा जी पहली बार पूछताछ करने की ट्राई कर रहे हैं। इस वक्त उनकी हवा टाइट है। देखो, जेब से मेरा लेटर हेड मिलेगा तो मुझे पुलिस थाने बुला लोगे? पासपोर्ट बनवाने के लिए रोज मेरे पास कई लोग आते हैं। क्रिमिनल कौन है इसका पता लगाना आपका काम है। आपको जनता की सुरक्षा के लिए रखा गया, ना कि उनको परेशान करने के लिए। आप पागल हैं? वो जीजा जी पर इतना भड़क रहा है और आप यहाँ खड़े? फ्रस्ट्रेशन इसके सर पे चढ़ गई है। मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई ना तो ट्रैवल मूर्ति के आदमी को पीट दूंगा। शौक से पीटो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाप रे, मुझे पता नहीं था मेरे टेबल पर हथियार भी है। किसी, अरे ये क्या कर रहा है तू? मेरे पीट क्यों रहे हो? इन्हें पीटने के लिए वजह नहीं चाहिए। सही कहा, ये तो मेरे ही आदमी है। किसने कहा ये तुम्हारे आदमी है? किसने कहा? ये ऐसा क्यों कर रहा है? फ्रस्ट्रेशन सर, बाइक चोरी हो गई उसी का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। पीटने से बाइक मिल जाएगी? मिले ना मिले, फ्रस्ट्रेशन तो निकल जाएगी। वाल्मीकि कौन चाले छे भाई? फ्रस्ट्रेशन सर, इसकी कंप्लेंट यहाँ कोई नहीं लिख रहा है, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन। तो कंप्लेंट लिखो ना। ये मेरे आदमी को पीट रहा है, इसकी प्रॉब्लम भी देखो ना। वही तो देख रहा हूँ सर। ये देख लेगा सर। समझ में आ गया सर, ये इन्हें क्यों पीट रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये एक्शन का रिएक्शन। इसे कहते हैं रियलाइजेशन। यू गॉट इट? देख लेना इसका अंजाम, देख लेना। क्या सर, कैसा अंजाम? कुछ भी करने से पहले 5 बार सोच ले। इनको पीटने के चक्कर में तो तुमने पुलिस स्टेशन तोड़ दिया। हेलो, अरे मूर्ति। जी सर। पासपोर्ट का इंतजाम हुआ या नहीं? कैसे होगा सर, सत्तार के पास मिले मेरे लेटर हेड से सब गड़बड़ हो गई। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। कोई मुझे यही रोकने की कोशिश कर रहा है, कौन है वो? अगर कोई तेरा सरदर्द बन गया है तो सिर्फ बाम से ही काम नहीं चलेगा। इसकी फोटो यहाँ क्यों रखी है? तुम इसे पहचानते हो? घर से यहाँ तक इसी को तो अरेस्ट करवा के भाग आया। 1,500 करोड़ रुपए के क्राइम में वो अपराधी नंबर 1 है और तुम उसके विटनेस हो। पूरे देश का पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें पकड़ने के पीछे पड़ा है। ये किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे डराकर रोकना चाहता है, बाहर जाने नहीं देगा। तुम जिद छोड़ क्यों नहीं देते? ये जिद नहीं है सर, ईगो है। तुम्हें यहाँ रोकने का रिस्क वो क्यों ले रहा है? रिस्क नहीं, ईगो। मेरे जिंदा रहते उसने मेरे फोटो पर माला चढ़वा कर मेरा श्राद्ध कर दिया। बदला लूंगा, पकड़ कर दिखाऊंगा उसे। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मैं वो रेत हूँ जिसे मुट्ठी में जितना कसोगे वो उतनी ही फिसलती जाएगी। मेरी मुट्ठी में फंसी रेत भी निकलने के बजाय वहीं जम जाती है। आप होम मिनिस्टर का नंबर घुमाइए, ट्रैवल मूर्ति को कोई टच भी ना करे। आई वॉन्ट माई पासपोर्ट।
सुनो डीजीपी, ट्रेवल मूर्ति को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ट्रेवल मूर्ति से पूछताछ क्यों कर रहे हो? चले दो से। सर, अरे उसे दोबारा पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मत बुलाना, ये मेरे ऑर्डर है सर। डीजीपी साहब थे, ये ट्रेवल मूर्ति तो बड़ा महान निकला, हो सके तो उसकी भरपूर मदद करो, पर स्टेशन पर मत बुलाना उसे। अगर हम इस बात का सबूत ले आए कि मूर्ति बिट्टू की मदद कर रहा है तो डीजीपी क्या कर सकता है? मुझे इतना पता है, सुबह वो योगा करता है और शाम को घूमने जाता है। अब ये एविडेंस मिलने के बाद वो क्या करेगा, मैं क्या जानूं? मूर्ति के खिलाफ एविडेंस लाना आसान है क्या? सिंपल है सर। कैसे? ट्रेवल मूर्ति के ऑफिस में मधु काम करती है। करती होगी तो? अगर हम मधु का की कार्ड इस्तेमाल करें तो बिट्टू के टिकट की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि वो टिकट बिट्टू तक कैसे पहुंचेगा, और फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। और की कार्ड कैसे मिलेगा? उसके लिए मुझे 2 वाटर टैंक, 1 ब्लूटूथ और 3 दिन का टाइम चाहिए। बरसात शुरू। चाय खत्म होने तक ना बारिश रुकेगी ना बस आएगी। रुको रुको, बस रुको, बस रुको, बस रुको। वाल्मीकि, बस रुक गई। गुड, मैक्सिमम 10 मिनट रोक पाऊंगा। ओके, बस क्यों रोकी सर? पुलिस ड्रिल। किस लिए सर? हमले की सेफ्टी माटे। अब ध्यान दीजिए, ऐसे में आपको क्या करना है? मान लीजिए कि ये टेररिस्ट है। सिर्फ मानना है। बैठ जाइए। अगर किसी ने 420 की तो मैं इस बस के चीथड़ उड़ा कर 9-2-11 हो जाऊंगा। सब लोग अपने मोबाइल फोन मेरी तरफ फेंक दीजिए, मैं कहता हूँ फेंकिए। बेशर्मो, बाहर फेंको, इस पर नहीं। टेररिस्ट की जान लोगे क्या? तो क्या टेररिस्ट से प्यार करना चाहिए? अब मान लीजिए कि ये टेररिस्ट नहीं है, चोर छे, और ये लाइटर से बस को आग लगाने की कोशिश करेगा, चाकू से सबको डराएगा, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? पहले आग बुझाऊंगा, बाद में हाथ काटूंगा। पहले इसे बुझाओ और फिर इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाकर हैंडओवर करो, बाकी हमें संभालने दो। अब बैठ जाओ। बरसात अब रुक जाएगी। रुक जा, रुक जा। और मेरी बस? ड्राइवर जी सर, नेक्स्ट स्टॉप पर है कमिश्नर की बेटी। उसके पास कार नहीं है क्या? रिपेयर में गई है। ओह, देखो लाल शर्ट में एक ऑफिसर, उसे वहाँ से बस में चढ़ाएगा। क्यों, उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है? धुलने गया है, जब वो इशारा करेगा बस चल पड़ेगी। जीजा जी, जहाँ के लोग इतने खूंखार हो, वहाँ बेचारे चोरों की क्या हालत होती होगी? तब भी देखो कितनी चोरियाँ होती हैं। कहा था ना बस नहीं आएगी। किस्मत की बात है। तुम्हें किस्मत पर यकीन है? मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ, जो मांगोगी मिल जाएगा। सच में? आजमा कर देख लो। ओके। बोलो। आज मुझे बस से नहीं जाना। ओके। देखा, बस भी चली गई। इसे कहते हैं चमत्कार। चमत्कार? बस को ही रोकने में हमारा बन गया है आचार। चलो कुछ और मांग लो। मैं बाइक पर जाना चाहती हूँ। बाइक? अरे बाइक कोई चॉकलेट है क्या कि दुकान पे गए और खरीद ली? बाइक है, उससे कहो रंग कमिट ना करे। बस सिर्फ 10 रुपए? और छुट्टा नहीं है। मुझे भी छुट्टा नहीं चाहिए। और क्या चाहिए पंडित जी? मुझे 200 रुपए दो तो तुम्हारी गाड़ी को हरा सिग्नल मिलेगा। पहले ट्रैफिक हवलदार देगा जो मेरी गाड़ी को हरा सिग्नल दोगे। मजाक कर रहे हो, पंडित को दक्षिणा नहीं दी तो संकट आ जाएगा। आ जाएगा नहीं, आ भी गयी हूँ। आरसी बुक देना। अरे अरे, अगर ये वापस चाहिए तो बस स्टॉप पर लाल शर्ट वाला खड़ा है, उसे बाइक दे दो और कल आना। क्यों दूं? इस बाइक में बम रखा है, इसके सारे पार्ट्स अलग करने पड़ेंगे, और जब हम सारे पार्ट्स चेक कर लेंगे तो उन्हें एक बोरे में डालकर इसे थमा देंगे। गलत बात। क्यों? बाइक के सारे पार्ट इसे दे दीजिए, बस इंजन रख लीजिए। इस शर्ट का कलर क्या बताया? लाल रंग। आप ही वो लाल शर्ट पहने हैं। ऑटो। खुश होना। अब बस बारिश की कमी है।
फिर से बारिश नहीं होगी। वाटर टैंक वापस भेज दिए। चलो तुम्हारे ऑफिस चलते हैं, वहाँ बारिश नहीं तूफान का मजा लेंगे। ए, उसके ऑफिस जाकर वाटर टैंक ढूंढने की कोशिश करो, पहले बारिश अब तूफान लाना है। आशुंचे एसिड जाली गलाने के लिए, और ये वेल्डर जाली को काट के हटाने के लिए, और ये ग्लास किस लिए? 3D इफेक्ट के लिए। और इसका क्या काम? मजबूत पकड़ के लिए। ये प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है ना? Am I right wrong? च्युइंगम। ओह, ये किस लिए? स्टाइल के लिए। इसे कहते हैं मॉडर्न जमाने का चोर। सही कहा। ये सिर्फ मवाली ही नहीं चोर भी है। अंदर चलो। रॉबरी में उनके साथ वो भी है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं, जो प्यार नहीं कर सकती वो बैंक क्या लूटेगी? तो फिर ट्रैवल मूर्ति को पकड़ना चाहिए, वो कुछ उगलेगा। इस मछली का चारा केचुआ नहीं होना चाहिए। साफ साफ बताओ, अगर ट्रैवल मूर्ति पर हाथ डालेंगे तो पिट्टू हाथ से निकल जाएगा। करेक्ट, मूर्ति की ऑफिस पर नजर रखते हैं हम, सिर्फ पिट्टू को ही नहीं दोनों को पकड़ेंगे। करेक्ट। जिसका ऑर्डर है उसी को जाके दे दो। बिट्टू, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? एक मिनट, तुम्हारे लिए फैमिली भी अरेंज कर दी है। वाइफ को लकवा मार गया है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पर सिंपति मिल जाएगी। 3 बजे की फ्लाइट से बॉम्बे और रात को वहीं से दुबई। ये तुम्हारी टिकट। मेरी बीवी कौन है? मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं लिया। क्या हुआ? डाइटिंग की वजह से खाना नहीं खाया होगा और बेहोश हो गई। अरे तुम देख क्या रहे हो, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। ये क्या है? ये तो पिज्जा डिलीवरी करने वाले की बाइक है। जूम करना। बॉक्स में पिज्जा होना चाहिए, कपड़ा कैसे आया? कुछ समझ में आया? वो डिलीवरी बॉय नहीं पिट्टू है। मधु कहाँ है? वो बेहोश हो गई थी, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। कौन ला? पिज्जा डिलीवरी बॉय ना। शिट, दैट वाज पिट्टू। आखिर वो मधु को लेकर भागी। 3 बजे की उसकी बॉम्बे की टिकट है। ब्लॉक द एयरपोर्ट। रवि जाना कहाँ है ये तो बताओ। रुको, गाड़ी यहाँ क्यों रुक गई? पर हमें तो राइट जाना है। पासपोर्ट देने के बाद तुम्हारा काम खत्म, अब कहाँ जाना है ये मैं तय करूंगा। पर दुबई जाने के लिए बैंगलोर से भी जा सकता हूँ, मैं वहीं से रात की फ्लाइट पकड़ूंगा। अब मैं क्या करूँ? मूर्ति, लाइफ में अपनी मंजिल का पता किसी और से कभी पूछना नहीं चाहिए, बल्कि खुद में समझ होनी चाहिए। रुक जाओ, हमें राइट में जाना है, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? एयरपोर्ट पर पुलिस पहले से तैनात है। मुझे यकीन है वो एयरपोर्ट नहीं जाएगा। उसका कार नंबर है हमारे पास, वो बचकर जाएगा कहाँ? कंट्रोल रूम, दिस इज माइक 3, ब्लैक कलर मर्सिडीज 444 कार है, उसे जल्द से जल्द ट्रेस करो। मल्टीपल 4 एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, ओवर सर। एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहा है, यू टर्न ले लो, पकड़ लेंगे उसे। नहीं सर, इन डकैतों ने हमें बहकाने के लिए कुछ को ईस्ट भेजा था, कुछ को वेस्ट में, और बीच में बैंक लूट कर निकल गए। इस बार भी वही पैटर्न होगा सर, कुछ लोग एयरपोर्ट की ओर जाएंगे, कुछ लोग चेन्नई हाईवे पर गोल गोल चक्कर घुमा के हमारी पुंगी बजाएंगे, और वो हमें उल्लू बनाकर बैंगलोर हाईवे से निकल जाएगा। तुम इतना श्योर कैसे हो? क्योंकि मैं 5 मिनट में उससे वही मिलूंगा सर।
वो देखिए बिट्टू के गैंग की कार। क्या गारंटी है कि वो बिट्टू के गैंग की ही कार है? हम पुलिस वाले हैं। इतना चकमा देने के बाद भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पुलिस इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो गई कि हमें ढूंढ निकाले। अकेला था तब तूने ही उसे बेरहमी से मारा था ना। तूने क्या सोचा था तू और तेरा भाई 100 साल जिएंगे? साले चोर चक्के, तेरा भाई तो 25 साल की उम्र में छोड़कर चला गया है, अब तू भी जल्दी उसके पास पहुंच जाएगा। तू कोई ज्योतिष है क्या जो मेरे मौत की तारीख बताएगा? आज मैं तेरा भविष्य बताता हूँ। अब तू अपनी सारी फैमिली की लाशों को कंधा देने के लिए अपने कंधे मजबूत कर ले। मेरी फैमिली तक तू क्या पहुंचेगा? इस वक्त जिस लड़की पर तूने बंदूक तानी है वो मेरी जान है,
तेरी गन में 10 गोलियां हैं, एक भी गोली निकली ना तो अगली गोली निकलने से पहले तुझे तड़पा तड़पा के मार दूंगा। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही एक गोली पर तेरा नाम लिखा है और वो गोली मेरी बंदूक में है मिट्टू। मैं तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। मैं मार दूंगा, मार दूंगा कह के मुझे धमकाने की कोशिश मत कर। अगर तूने इसे खरोंच भी पहुंचाई तो मैं तुझे डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दूंगा। पागल हो गए हो क्या? वो उस लड़की को मार देगा। सुनकर मेरा दिमाग फट गया। ठीक है, चला गोली, चला मार दे इसको। अब क्या हो गया? बहुत क्यों बंद हो गई साले? अरे कम से कम क्या नहीं जा रहा था, मारने वाला था ना इसे, तो मारना, मार के दिखा। चल कुछ में साले, मुझे सड़क पर अकेला छोड़ गए हैं, जल्दी गाड़ी भिजवाओ। बिट्टू ने लड़की किडनैप क्यों की थी? पता नहीं। तुम ठीक हो रवि? बिट्टू मिला क्या? नहीं सर, पर नाकाबंदी की हुई। तुमने उसे देखा था? Are you sure? तुम्हारा अब यहां रहना ठीक नहीं रवि, तुम्हारी लोकेशन बदलनी होगी और वो भी एकदम पटापट। कहां भेजेंगे सर, गोरखपुर या पटना? सर सुनामी से बचने के लिए रेनकोट पहनने का काम कोई बेवकूफ आदमी कर सकता है, और आप इस वक्त मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। सर आप जरा कॉमन सेंस से सोचिए, जब चोर भागता है तो पुलिस उसे पकड़ती है, लेकिन यहाँ मेरे साथ उल्टा हो रहा है। यहाँ चोर मेरे पीछे पड़ा है और मैंने पुलिस की मदद की है, फिर भी मुझे भागना पड़ रहा है। पुलिस को और टाइम मांगता है। और कितना टाइम चाहिए? 15 मिनट में मैंने उसको पकड़ कर दिखाया था और अगले ही दिन वो आपको चकमा देकर भाग निकली। सर आप और वो बिल्कुल एक जैसे, वो पैसे के लिए किसी का भी गेम बजा सकता है और आप सैलरी के लिए अपनी पोस्ट से चिपके पड़े। अरे आपको अंदाजा भी नहीं है इस वक्त मेरे सर पर कितना जुनून सवार है। पाताल से भी उसे ढूंढकर उसके सर में इस बंदूक की सारी गोलियां। मैं रविंद्र नारायण का नाम सुनते ही उसकी पैंट गीली हो जानी चाहिए। अगर मैंने उसे ठोक दिया ना तो पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं यही रहूंगा। मेरा एड्रेस पेपर में छपवा दो। अब उस बिट्टू को, बिट्टू का तेरे साथ क्या रिलेशन था? कोई रिलेशन नहीं था, उसने मेरी एम्प्लॉय के साथ साथ मुझे भी किडनैप करवाया। फिर किडनैप करने के बाद उसने तुझे अकेले को क्यों छोड़ दिया? मैं अपने लॉयर से बात करूंगा। जिंदा रहेगा तो लॉयर से बात करेगा ना सारे। अब इसका बयान लिख लो, मरने के बाद अंगूठा लगवा लेना। अब इसका फंदा खोल दूं? नहीं अभी नहीं, मरने के बाद, 3 मिनट में मर जाएगा। नहीं मरा तो पैसे वापस। समझ गया, लाश से अंगूठा लगवाना बहुत ही आसान काम है। इसको बचाने के लिए पुलिस ने बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था। सच्ची मेरे पति ने इसके ऑफिस में चोर कैमरा छिपाया था, इससे फौरन पता चल गया कि किडनैप हुई है। अंकल आप क्या टाइम पास कर रहे हैं? ये लड़का मरने वाला है, पैसों के चक्कर में डॉक्टर ने जिंदा रखा है। कैसी हो बेटी? तुम बहुत खुश होगी ना? मैं तो कहूंगा कि तुम बहुत लकी हो बेटी। एंड वक्त पर रवि मेरी ऑफिस में आ गया और उस वक्त मैं भी ऑफिस में मौजूद था और तुम बच गई। इसे कहते हैं वक्त वक्त की बात।
कैसी है? क्या हुआ, जबड़ा हिल गया? मधु से मिलू ना? बाद में बात करता हूँ। बेटा तुम मधु से मिली? तुम्हारे जबड़े में दर्द है क्या? हम मधु से मिल सकते हैं? चलो। पैसा गया, लाला भी चला गया, मुझे तो लगता है रवि अब हमें भी चलता करेगा। एक ही धक्के में यस्को तेरे डर को तेरे भेजे से बाहर निकाल फेंकेगा। ये नंबर देख रहा है? एक, रवि की सारी फैमिली मरेगी, दो, फिर वो मरेगा, तीन, हम इस देश से बाहर जाएंगे। अगर तूने मुझे तंग किया तो सबसे पहले तू यहां से जाएगा। मेरे लिस्ट में चौथा नंबर मत छोड़, क्योंकि तीन मेरा लकी नंबर है, तेरा? सब खा गए? किसी ने नहीं खाया, चोर अंकल बॉटल के साथ चकना भी ले गए। तुझे कैसे मालूम? ठंडी बॉटल से उनका कुर्ता गीला हो गया और चकने के दाग उनकी लुंगी पर लग गए। हाथ में दो। थैंक यू भाई। अगर तू इतना समझदार है तो तूने बिट्टू से पंगा क्यों लिया? मैंने पंगा नहीं लिया सर, उसने मुझसे पंगा लिया। वो पैदाइशी गुंडा है और इसका तो ट्रेनिंग पीरियड चालू है। तो अभी आगे तेरा क्या प्लान है? वेरी सिंपल सर, मेरे सामने तीन टारगेट्स हैं। नंबर वन, पहले तो अम्मा बाबा को यहाँ लाना है ताकि वो सुरक्षित रहे। नंबर टू, मधु से मिलकर उसे मनाना है ताकि वो लाइन पर आ जाए। नंबर थ्री, इस बिट्टू को खत्म करना है, बहुत तंग कर रखा है उसने मुझे। पर तुम ये सब करोगे कैसे? जनरली हमारी जनरेशन के लोग प्लान करके काम करते हैं, लेकिन मेरे जैसे स्मार्ट लोग काम करते करते प्लान कर लेते हैं। सो गोल नंबर वन, मम्मी डैडी। हेलो, बोलो। आप निकले कि नहीं? हाँ, एक घंटे में गरीब रस्ते निकल रहे हैं। गुड, पड़ोसियों से कहना घर पर नजर रखें। कहने की जरूरत नहीं, उनकी नजर दूसरों पे ही रहती है। बाबा स्टेशन के लिए टैक्सी ले लीजिएगा। टैक्सी बहुत महंगी रहेगी, ऑटो ठीक है। बाबा कब तक कंगालों की तरह जीते रहेंगे, टैक्सी लीजिए। तुमने टिकट रख लिया? रख लिया। अगर बिट्टू को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया तो? अब बिट्टू के टट्टू मेरे घर पहुँचेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, ताला देंगे, पड़ोसियों से पूछेंगे। मुझे घर के काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो दूसरों के घर में झांक कर देंगे। पैसों से या बंदूक से, उनसे सच उगलवा लेंगे। वो गरीब रथ से जाने वाले हैं, एक बैग, दो सूटकेस और तीन आदमी टैक्सी से स्टेशन गए हैं। गन हटाओगे तो घर पे कॉफी पिलाऊंगी। बाबा कहाँ पहुँचे आप? बस यूटर्न लेते ही रेलवे स्टेशन आ जाएगा। राइट लेकर फौरन अहमदाबाद आ जाइए। क्या अहमदाबाद? मगर कैसे? उसी टैक्सी से। टैक्सी का भाड़ा के तू देगा? सीताराम जी बहुत दिलदार आदमी है। अब मुझे किसे पैसे देने हैं? अहमदाबाद ले लो भाई। जिस तरह किसी फिल्म के क्लाइमैक्स में विलन के आदमी हीरो को ढूंढते हैं ना, उसी तरह बिट्टू के आदमी पांचों की तरह मेरे माँ बाप को ढूंढेंगे। इसे कहते हैं प्लानिंग। जीजा जी, लोग तो चाकू या छुरी से भी डरते हैं, लेकिन आप बम की पिन निकाल कर उस पर ही बैठ गए हैं। आपने इसे घर में रख लिया और साथ में इस पर दारू और काजू का चढ़ावा भी चढ़ा रहे। अरे भाई, अब अगली बार 21 की है बिट्टू की। अरे क्या सर, आप तो नशे में टारगेट का नंबर भूल गए। टारगेट नंबर टू, मेरी प्यारी मधु।
प्लीज, मैंने क्या किया है? तुम मुझसे इतना नाराज क्यों? मधु, उसे भड़काकर मुझे मरवाना चाहते थे। ए, वो सब ड्रामा था यार, और कुछ नहीं। वो तुम्हें नहीं मारता। प्यार का नाटक करके तुमने मुझे फंसाया ना? मधु, ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही। चप्पल से मारूंगी तुम्हें। अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते, मेरी कुर्बानी देने चले थे। अरे तुम, सर जरा ये देखिए, इस बहनजी टाइप की लड़की को मैंने ऐसा पटाखा बना दिया और अब आते जाते सब लोग इस पर लाइन मारते। ए, लाइन मैं सिर्फ तुम्हें देती हूँ, समझे ना? तुमसे शादी करनी है। बॉबी और बबलू जैसे दो प्यारे से बच्चे चाहिए मुझे। दो शरारती लड़के तो ठीक है, लेकिन उन्हें एक चुलबुली सी बहन भी मिल जाए तो फैमिली कम्प्लीट हो जाएगी। हटो जी। तुम्हारे लिए मैंने जीन्स पहननी शुरू की। शादी के बाद किस करते वक्त चश्मा बीच में आएगा, इसलिए लेंसेस पहनने लगी। तो क्या मुझ पे एहसान किया? तुम हमेशा गलत क्यों सोचते हो? You always think it's my fault. What do you think it's my fault? मधु, किसकी गलती है वो ये आदमी बताएगा। सर बताइए। चेक चेक। खाते वक्त मैं से कान से निकाल के जेब में रखता हूँ। आप लोग किसी बात पर शायद झगड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा। एक बार फिर झगड़ेंगे क्या? आपको बुरा ना लगे तो? आराम से झगड़िए, मैं ध्यान से सुनूंगा। मधु मधु सुनो तो, मधु देखो कहाँ जा रही हो तुम? मैं छोड़ देता हूँ, मेरी बाइक पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलूंगी, लेकिन अगर सेम बाइक, सेम कलर और सेम आदमी उसे लेकर आएगा तब चलूंगी। अरे पर ऐसे बात करनी, बुलाओ उसे। मैडम को घुमाने के लिए बाइक चाहिए? अच्छा, वहाँ जाना है क्या आपको? आज ही टंकी फुल कराई है, आप चाहे तो पूरा शहर घुमाइए। सुनो, उस दिन तुमने बाइक क्यों दी थी? उस दिन मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने धमकी दी कि मोटरसाइकिल से मोटर निकल के सिर्फ साइकिल ही मुझे पकड़ा देगा, इसलिए डर के मारे मैंने दे दी। फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे थे? मैं मुस्कुराता नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। मधु प्लीज मेरी बात मान जाओ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मधु, 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 मेरी बात तो सुनो, मधु प्लीज। अगर बारिश ना हुई होती तो ना उस दिन तुमसे बात करती और ना तुम्हारे साथ चाय पीती। पानी का टैंकर तो यहीं पर है। तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? बारिश भी तुमने ही करवाई थी। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, मैं कैसे बारिश? सच बताओ। हे भगवान, अब पता चला वो चमत्कार कैसे हुआ था। मेरे बच्चे, क्या हुआ? किसी ने छेड़ा? कोई लड़का तुम्हें तंग कर रहा है? हाँ पापा। देखो बेटा, जब तुम्हारे दांत में क्लिप होती थी तब एक भी लड़के ने तुम्हें प्यार से देखा? नहीं ना। जब तुम बहन जी जैसा चश्मा पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी ओर देखा? नहीं देखा ना। और जब तुम पर्दे वाली ड्रेस पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी तारीफ की है? बताओ, नहीं की ना। हमें तो इसको थैंक्स बोलना चाहिए बेटा। इनसे बात क्यों करें? तुम हो कौन? यहाँ आके तमाशा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। मैं कितनी खूंखार हूँ ये मेरे पति तुम्हें बताएंगे। बिल्ली की तरह पंजे मारती है, फिर भी आई लव माई वाइफ। आंटी जी, थोड़ा नारियल तेल मिलेगा प्लीज। देखा, सिर्फ पंजों की बात सुनकर ये तेल मांगने लग गया है, तुमसे डर गया है? ये चलती भी है। अबे कद्दू, रोते वक्त खाते नहीं और खाते वक्त रोते नहीं, थोड़ा अपनी बहन को भी खिलाया कर। देख इसे, सूख कर काटा हो गई है, हवा का झोंका आया नहीं कि उड़ गई। सही कह रहे हो। खामोश। आंटी, गेट पर चढ़कर बैठेगी इसका मतलब ये नहीं कि तू बच जाएगी। तेरी तुम। अब क्यों नहीं कहता आई लव माई वाइफ? आई लव माई वाइफ कहना। आई लव माई वाइफ। अब बोलो मधु, तुम्हारी क्या लगती है? देवी समान बेटी। मतलब इसे प्रसाद चढ़ाओगे और खुद खा जाओगे? नहीं नहीं नहीं। तो इसे इंसान मानो। अगर इसकी देखभाल में कोई कमी हुई ना तो दर्द सब उतार दूंगा। और मधु, आई लव यू, मुझे भी तुमसे बहुत। सॉरी, ये गलती से चल गई, मैं बाद में मिलता हूँ। तो फिर से बच निकला। बिट्टू को पकड़ने के लिए ट्रैवल मूर्ति को बाहर निकालना होगा और उसके लिए हमें चोर अंकल को अंदर भेजना होगा। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ?
अबे तुझे नहीं पता तू कौन है? याददाश्त कमजोर हो तो गले में आई कार्ड लगाकर घुमा कर। तुम क्यों पकड़े गए? नकली पासपोर्ट बनाने के चक्कर में। तो इसमें गलत क्या है? ये तो कला है, कलाकार को भी पकड़ते हैं क्या? तुमने क्या किया? मैं तो बस एक माँ की इच्छा पूरी कर रहा था। माँ की इच्छा? हाँ, एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा बाहर मत जाओ वरना गब्बर पकड़ लेगा। बच्चे ने बात नहीं मानी और बाहर चला गया। अगर उस वक्त गब्बर बाहर ना होता तो बच्चा माँ पर यकीन नहीं करता। मौका देखते ही मैंने बच्चे को उठा लिया, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। उसकी माँ ने ही मुझे पकड़वा दिया, कहने लगी बच्चे को किडनैप किया है। अबे यूं प्लेट घिसने से दीवार में छेद नहीं होगा, कल तुझे जेल में शिफ्ट कर देंगे, वहां जाकर कैदियों के झूठे बर्तन घिसना, समझा? इंस्पेक्टर, आप क्या है? मुझे प्लेन पेपर और एक दर्जन पेन चाहिए। किस लिए? आत्मकथा लिखने के लिए। किसकी बे? अरे गांधी जी नेहरू जी ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी, वही पढ़े लिखे थे क्या? मैं नहीं हूँ, हाथ की सफाई में मैंने PhD किया है, मैं अपनी कहानी लिखूंगा। चलो सामान भिजवाओ। हवलदार, ये कालिदास की औलाद के लिए पेन और पेपर लेकर आ, ये महाचोर अपनी आत्मकथा लिखेंगे। सर, आप क्या है रे? एक कप चाय चाहिए सर। अबे तेरे बाप का घर है क्या? मैं यहाँ का दामाद हूँ सर, जेल को ससुराल कहते हैं ना। हवलदार, ये ऐसे ही पकाता रहेगा, चल हम लोग राउंड अप करके आते हैं। आप चलिए सर, पीछे पीछे हम भी आते हैं। रास्ता साफ है, निकल लेते हैं। ये क्या है? फोन है। वो कौन था? मेरा चाहने वाला। इसे देने के लिए इतना स्टाइल क्यों मारा उसने? रजनीकांत की फिल्में बहुत देखता है। ये लो पकड़ो, शाम को इसे मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर इसमें है। तुझे पूरा यकीन है ना कि वो उसी फोन से बात करेगा? होकर क्या है सर, वो उससे फोन करेगा। अगर कहीं और से फोन किया तो बिट्टू को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सिंधा बच गया, उसको मारे बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रवि तक तू नहीं पहुंच पाएगा, वो अपनी जिंदगी से तंग आकर खुद ही, तू उसे छू नहीं सकता। मैंने तुझे आदमी दिए, फिर वैन दी, फिर क्रेन दी और लाख लाख रुपए दो बार दिए, तुझे नकली फैमिली तक बना कर दी, और फिर पासपोर्ट के लिए लाखों खर्च किए, वो सब अलग। इस राज को छुपाने के लिए सत्तार की फैमिली को हर जाना दिया, तब जाके इस बवाल से मेरी गर्दन छूटी, और तुझसे एयरपोर्ट जाकर एक फ्लाइट नहीं पकड़ी गई। मैं तुझ पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूँ, ये लो, ये मेरे लिए फिजूल खर्ची और तेरे लिए बोनस। ये सिर्फ पेपे बेबे बेमे कर सकती है और किसी काम की नहीं है। अगर मैंने रवि को लगाया होता तो वो 15 मिनट में बैंक लूट के यहाँ बैठा होता। एक 25 साल के छोकरे ने तुझे छठी का दूध याद दिला दिया है। साले तू तो जाके उसके तलवे चाट, बेशर्मों की तरह बैठा है। जब किसी पत्नी के सामने पराए मर्द की तारीफ करो तब उसके पति को कैसा लगता होगा? इसके सामने तूने रवि की तारीफ की, मुझे भी वैसा ही लगा। पेपे बे में मैंने, हाँ जानते हो मैंने क्या कहा? कि तुझे मार दूंगा। हैंडी कैप है वो, सुन नहीं सकती, सॉरी बोल, माफी मांग। अगर मैं सॉरी बोलूंगा तो वो सुनेगी कैसे? मुझे मुझे बचा ले, बचा ले। दिल टूटा है मेरा, तुझे बचा के मुझे क्या मिलेगा? पैसा, पूरे 1500 करोड़।
वो मैं तुझे दे दूंगा, मुझे बचा ले। वो जो चुराए थे? हाँ। वो पैसा तो चल गया था ना? नहीं, सिर्फ ट्रक जला, पैसा पहले ही हटा दिया गया था। पैसा कहाँ छुपा है? कहाँ है? बता बता। ये मर चुका है बिट्टू। फोन करना है। वो शायद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए ट्रांसमीटर लगा दिया। सर मैं ट्रैवल मूर्ति, बेल नहीं मिली इसलिए जेल से भाग आया। यहाँ बहुत गड़बड़ है, बिट्टू को बाहर भेजना बहुत मुश्किल है। पहले तो ये जान लो कि तुम किससे बात कर रहे हो मूर्ति। बिट्टू? पर वरदराज जी, वो तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। अरे कितनी मुश्किल से तो मैं लॉकअप से भागा। तुम झूठ अच्छा बोल लेते हो। नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ। जिस आदमी ने तुम्हें भगाया है, जिस आदमी ने तुम्हें फोन करने पर मजबूर किया है, उससे बात करनी है। हाय रविंद्र नारायण, योर फ्रेंड बिट्टू हियर। हाउ आर यू? बेस्ट मैन। तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे पापा एक दिन लाला के नाखून काट रहे थे और गलती से लाला को चोट लग गई। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि लाला रो रहा था, वो दर्द से चिल्ला रहा था। पापा ने मुझसे दवाई लाने को कहा, मैं दौड़कर अंदर गया। भाई का खून देखकर मेरे आंसू निकल आए। दूसरे दिन खबर मिली कि मेरे बाप का खून हो गया। उसके बाद लाला कभी नहीं रोया, पर एक बात कोई नहीं चाहता, यहां तक कि मेरा भाई भी नहीं, कि वो खूनी मैं था। लाला के खून की वजह से पापा की जान गई। अब तेरा क्या होगा ये शायद यमराज को भी नहीं पता। देखता हूं कि तुम कितने समझदार हो। चलो चाय पी कर आते हैं। कैसे आदमी हो तुम? वो सीधे सीधे वार्निंग दे रहा है और तुम्हें डर नहीं लगता? उसके डराने धमकाने से क्या हो जाएगा, मुझे डर से डर नहीं लगता। तो अब क्या करना है? इस बिट्टू नाम के ट्यूमर को हटाना ही पड़ेगा और इसकी सर्जरी मैं करने वाला हूं। वो इतना खूंखार आदमी है, तुझे उससे डर नहीं लगता? मुझे उसकी फिक्र नहीं है अंकल, भूल जाओ उसे, मैं भी उसे मार सकता हूँ। वो चिल्लाता है और मैं नहीं, यही फर्क है। मधु? अंकल वो मधु है ना? अरे यार ये लड़की इतनी दुबली है, चश्मा लगा के भी नहीं दिखेगी। अंकल उस दिन गुस्से में इसने मुझे क्या क्या नहीं कहा, आज मैं उसका बदला लूंगा। ए मधु, 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 प्लीज 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 रुको। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो? नहीं जानती, मैं ये भी नहीं जानती कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या नहीं। तुम्हारा नाम भी रवि है। व्हाट आर यू सेइंग मधु? आई लव यू ना। हु आर यू? तुम्हें मेरा बैकग्राउंड चाहिए ना? मेरा नाम रवि, पापा का नाम नारायण शास्त्री, माँ का नाम मधुबाला, छोटी बहन का राजी। जरा जरा सीताराम का घर आखिर है किधर? हम 3 घंटे से गोल गोल घूम रहे हैं। पापा आप मधु, ये मेरे बाबा हैं। क्या टाइमिंग है तुम्हारी, कहीं छिपा कर रखा था क्या इन्हें? डायलॉग खत्म हुआ नहीं कि कार की एंट्री हो गई। ये सचमुच मेरे मम्मी पापा हैं। ए बुढ़ाओ ये तो एक नंबर का झूठा है, तुम्हें तो समझ होनी चाहिए। या फिर है कौन? किसी अंधे को भी यकीन नहीं होगा कि ये तुम्हारे पापा हैं। शक्ल भी नहीं मिलती तुम दोनों की। ये मुझ पर गया है? तुम्हारी नौटंकी वाली माँ बहुत सुंदर है। ए, कौन है ये, इतना चप्पल चप्पल क्यों कर रही है? इस सीन में तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं है, चुप रहो। एक और वर्ड बोलो तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। समझा दूंगा। क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? पैसा मिला ना तुम लोगों को? पैसा खिलाएगी? पैसा मिला क्या? मधु पागल हो गया तुम,
देखो बेटी, मेरा बेटा चीप जरूर है, पर इतना भी चीप नहीं है कि अपने माँ बाप ही बदल ले। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हम लोग एक परिवार नहीं है। तुम्हारे मानने न मानने से सच नहीं बदल जाएगा। कान खोल कर सुन लो, ये मेरा बेटा है और ये बेटी। अगर तुम हमारे घर की बहू बनी ना, तो इससे बचना, काटने को दौड़ती है। खूबसूरती के साथ खूंखार भी है। सीताराम का घर किधर है? राइट से सीधा जाना है। हम तो सीधे जाएंगे, तुम सीधे रहना। बहुत झूठे पड़ेंगे आज। ये सच में तुम्हारी फैमिली थी? ये ढूंढो कौन के नीचे। हमेशा झूठ बोलोगे और एक बार सच बोलोगे तो यही हाल होगा। हट लोफर। ए मधु, 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 रुको, यही रुको। पकड़ो इसे। ये किस लिए? पेपर वेट। यहाँ वहाँ फुदक रही हो ना, तुम्हें एक जगह खड़ा रखने के लिए लाया। मेरी बात सुनो ना मधु, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, सच्ची। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी करो, रानी बना के रखूंगा। एक और जरूरी बात, थोड़ी सी रिस्की बात है, तो अपनी सेफ्टी के लिए वजन बढ़ा। मधु, मुझे तुम्हारे प्यार में अजीब अजीब सपने आते हैं। मैं देखता हूँ कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और पूरी मेहनत करके ऐसे गोल मटोल बच्चे हुए हैं। ठीक है, ओके ना? चिल्लाना मत, मुस्कुराओ प्लीज। इनका ख्याल रखना, मैं बस अभी आया। ओके बाय। सूखी लकड़ी जैसी है, इसे पसंद कैसे आ गई? जीरो साइज है, आजकल यही फैशन है। कितनी नकचड़ी है वो? वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। जरूर इसने कुछ किया होगा, तभी वो भड़की हुई थी। ए, तुम सीधा बेडरूम के अंदर क्यों घुस गई? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? मेरे घर वाले आ रहे हैं हमारे रिश्ते की बात करने। यहाँ पर? वो लोग ये नहीं जानते कि लड़का कौन है। पापा को तो मालूम है, उस खूंखार माँ से तुम निपटना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो उनसे निपटूंगा? तुम जानती हो ना कितनी खड़ूस है वो। एक तो तुम्हारी बदतमीजी संभाली नहीं जाती मुझसे। तुम निकलो यहाँ से, ये बिल्कुल गलत टाइम है। तुम जाओ यहाँ से जल्दी। जाऊं क्या? अरे ऐसे नहीं मधु, देखो बात यह है कि मधु, तुम्हें तो पता ही है ना कि कल क्या हुआ था। सच कह रहा हूँ मधु, देखो तुम मेरे पापा को नहीं जानती हो। अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देख लिया ना, तो वो मेरे सारे कपड़े उतार देंगे। कपड़े उतार देगा? बोलो ना जानू, बोलती बंद हो गई। कुछ कहो ना। कपड़े पहनो, मेरा गला सूख रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे लगा मैं तुझसे मिलने आया हूँ? तेरी बेटी के लिए आया हूँ मैं। ए आंटी, तू चुपचाप इसकी शादी करवाना चाहती है ना? तू क्या एक? हाँ, और ये पुलिस वाले का घर है, जाओ यहाँ से। ओ अच्छा, तो दूल्हा कौन है? यही है ना? कौन ये? नाक नक्शा अच्छा है। हाँ रवि, साड़ी वाली पे मेरी प्यार की गाड़ी अटक गई है। उधर रेड सिग्नल मिलेगा, वो मेरी सास बनने वाली है। सौतेली सास कहो? क्या कह रहे हैं आप? शायद इससे तेरी शादी में अड़चन पैदा हो। तेरी शादी के बाद में इसे भगा ले जाऊंगा। मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपकी बातें सुनकर मेरा रोम रोम खुश हो गया। आगे बोली। हम तुम्हें कैसे लगे? पांव से सर तक स्वर की अप्सरा लगती हो। वैसे तुम करते क्या हो? चोरी मेरा काम है। तभी तुमने मेरा दिल चुरा लिया। माल डाला रे। यहाँ देखो,
आंखों में आंखें डालकर प्यार का इजहार करो। समाज हमारे रिश्तों को माने या ना माने, मैं आज और इसी वक्त सबके सामने इसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तेरी तो छोड़ना, पगला गई हो क्या? यहाँ लड़की की शादी तय करने आई हो और नौकर से इश्क लड़ा रही हो? कौन सा नौकर जी, यही तो होने वाला दामाद है। लड़का तो मैं इसका लगता हूँ, ये तो नौकर है, वो है हमारा दामाद। मुझे नहीं मंजूर। क्यों? मेरी शादी एक बुढ़े से हुई है तो उसकी शादी भी एक बुढ़े से ही होगी। ये क्या किया तुमने? जिस गुलाब से गाल को चुभना चाहिए उसमें थप्पड़ मारा तुमने। मधु के प्यार में रवि पागल है। ज्यादा पागल हो गया तो पागल खाने जाएगा। मारने के बहाने छुआ तो सही प्यार का एहसास। कार पार्क मत कर, मैं अभी आता है। ओके। हाय रवि। अरे आओ राजा, अहमदाबाद कह रहा है वो। नमस्ते। अभी अभी तो आया हूँ। आप जल्दी जाने नहीं दूंगा, आओ। नहीं नहीं मुझे जाना है। अरे कुछ खा कर तो जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। क्या बात है, आज पूरी फैमिली एक साथ है? आज रवि की सगाई हो रही है। ओके, कांग्रेट रवि। थैंक यू। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, वहां पहुंच के फोन करता हूं। ओके राजा। सर रुकिए, मैं इनको छोड़कर आता हूं। सर हमारा केस कहां तक पहुंचा? ये केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है रवि। मिनिस्टर साहब के साथ भी बातचीत चल रही है। बिट्टू कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, तुम अलर्ट रहना रवि, हमें तुम्हारी जरूरत है, समझे? ओके सर। सर कहां जा रहे? फोन अंदर रह गया, फोन। आप रुकिए सर, मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। हाँ। अंकल फोन निकालो। सर रवि की फैमिली कौन सी है? चलो। अगर तुमने किसी को बताया तो जान दे दूंगा। चलो।
मामा में गोली चलाई। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे उसे छोड़, इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए। तेरे मामा बच सकते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। सर बाबा आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। तुम जरा यहाँ आओ, देखो रवि स्टेशन चलो। क्या? मैं बात कर रहा हूँ ना रवि, एसीपी की उस कार में जो बम था उसका ट्रिगर इस फोन में था। ये फॉर्मेलिटी है, पूछताछ के लिए तुम्हें ले जाएंगे, चलो। पर मेरे बाबा को इस वक्त मेरी जरूरत। मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा, चलो। उन्हें कुछ नहीं हुआ। मेरे बाबा कैसे हैं सर? कहा ना उन्हें कुछ नहीं हुआ। देखिए मुझे सच बताइए प्लीज। रवि चलो रास्ते में बताता हूँ। ये आपका दामाद है जो इसे ले जा रहे हैं? ये एक मुजरिम है। एक घंटे में वापस लाता हूँ। ये रूल्स के खिलाफ। To hell with the rules। ये मेरा स्टेशन है, यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। तो रजिस्टर में क्या लिखूं ये भी बता दीजिए। लिख दो कि मैं अपनी गारंटी से अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ, चलेगा? आओ बेटा। राजी तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, अपनी गिरफ्तारी के बारे में उन्हें मत बताना, हालत बिगड़ जाएगी। उस रोज अगर तुमने 10,000 रुपए न लिए होते तो मैं सुकून से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होता, तुम्हारी मां रसोई में पकौड़े तल रही होती, बहन टीवी देख रही होती। असली कमाई तो वही थी बेटा, वो तुम्हारे 1,00,000 रुपए से 1,00,000 गुना बेहतर थी। 60 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से भागती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती नहीं, ये बात तुम जानते हो। फिर 2 घंटे में 10,000 का 1,00,000 बनाने का लॉजिक क्यों ढूंढ लिया बेटा? कोई भी बैंक 10,000 का 1,00,000 नहीं बना सकता। अगर ऐसा होता तो तेरा ये बाबा 50 साल की उम्र में हॉस्पिटल ना आता। ऐसा जिस स्पीड से आता है उसी स्पीड से लौट जाता है। जब भी सोचता हूं तुम में और बिट्टू में कोई फर्क नजर नहीं आता। तुम्हें 1,00,000 चाहिए था, उसे 1,00,00,000 चाहिए था। नंबरों में भले फर्क हो, मकसद में नहीं था। नहीं बाबा, बात बुरी लग गई। अच्छा बताओ, तुमसे 1 बार गलती हो गई, हुई थी ना, अब वैसे ही हालत फिर तुम्हारे सामने है, क्या करोगे? वही गलती फिर दोहराओगे या सबक लेकर सही राह चुनोगे? आप क्या चाहते हैं बाबा? एक बार धर्मराज ने जुआ खेला था, तब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी। उस रात 10,000 के तुम्हारे जुए ने तुम्हारी जिंदगी को मौत के करीब पहुंचा दिया। जाओ युद्ध करो। और सुनो, मेरे 5,00,000 रुपयों के लिए नहीं, मेरे जैसे साधारण टीचर, क्लर्क, सुपरवाइजर के लिए, जिन्होंने बेटी की शादी के लिए, बेटों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के बाद घर बनाने के लिए पैसे जमा किए थे, वो उनके उनके सपनों को पूरा करने के लिए थे, उनके लिए जा और पूरे 1,500 करोड़ लेकर आ। और तब तू कहना तेरा मकसद बिट्टू से अलग है। मैं ले आऊं। शहर के पूर्व एमएलए और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वरदराजन जी का उनके फार्म हाउस पर मर्डर कर दिया गया है। इस केस के बारे में तुम फिक्र मत करो, एसीपी के मर्डर केस से मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा।
ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मरा ही नहीं है। मरा नहीं? जब एसीपी हमारे घर पर आया था तब उसने फोन पे क्या कहा? कार पार्क मत कर, मैं अभी आता है। मतलब कार में ड्राइवर था। आप कहते हैं एसीपी मर गया तो कार में दो बॉडीज होनी चाहिए थी। कितनी? दो। और कितनी थी? एक ही थी। मतलब जो गया वो ड्राइवर था। जब हम बाहर निकले तो जानते हैं उसने मुझसे क्या कहा था? मिनिस्टर साहब के साथ भी बातचीत चल रही है। वरदराजन कल ही मर चुका था और ये उनसे बात कर रहा था। वरदराजन मर गया, ये तुम्हें कैसे पता? हॉस्पिटल से निकलते वक्त टीवी पर देखा था सर। शहर के पूर्व एमएलए और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वरदराजन जी का उनके फार्म हाउस पर मर्डर कर दिया गया। पर इन सब से एसीपी का क्या लेना देना? जब हम डंप यार्ड में पहुंचे तब शायद उसे एसीपी राज को पैसों का कोई सुराग मिल गया होगा। अगर मेरा शक सही है तो एसीपी उसी रात को पैसे निकालने के लिए डंप यार्ड गया होगा और उसे जरूर वो पैसा मिल गया होगा। जब बाहर आएगा ना हम सब मिलके बराबर बराबर बांट लेंगे। बिट्टू की तो अभिलाषित जेल से बाहर आएंगे। ये सारा पैसा अपना है। लेकिन बिट्टू जेल से फरार हो जाएगा ये उन्होंने सोचा नहीं था। वरदराजन और एसीपी के इस गेम के बारे में बिट्टू को पता चल गया होगा, इसलिए उसने वरदराजन को खत्म किया। तो उसने एसीपी को क्यों छोड़ दिया? पैसों के बारे में एसीपी जरूर जानता होगा और वही बता सकता है पैसा कहाँ छुपाया है। तभी तो बिट्टू ने ये चाल चली है। इस बॉम्ब ब्लास्ट में उड़े परखच्चों की वजह से तुम्हें पता चला कि विलन कौन है, लेकिन एसीपी और वरदराजन आपस में मिले हैं ये बिट्टू को कैसे पता चला? जैसा मैं सोचता हूँ बिट्टू बिल्कुल वैसा ही सोचता है, लेकिन इस वक्त उसकी सोच मुझसे 24 घंटे आगे है, वरना आज बाबा हॉस्पिटल में ना होते, राजी किडनैप ना होती और मैं लॉकअप में ना होता। सर, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, काट के रख दूंगा उसे। पर कैसे? करोड़ बिट्टू, मेरा आधा हिस्सा कभी देगा? अभी देता हूं। पैसा ले जा रहा था, बोझ ही नहीं संभाल पाया। कोटे, इससे हमें एक बात समझ में आती है, पैसा चुराने से ज्यादा पैसा ले जाना मुश्किल है।
क्योंकि बिट्टू को फोन कर। ये इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? वो नहीं कर रहा है, कोई करा रहा है। 3 कंटेनर मंगाओ और पैसा 1 पर लाद दो। उस इससे पहले कि वो समझे कि पैसा किस कंटेनर में है, शिप में लाद के देश से निकल जाओ। और तुम? इंडिया में एक तुतुकोरिन एयरपोर्ट है, अजीब नाम है ना, वहां से श्रीलंका 10 मिनट दूर है। तुम पैसा लेके शिप से जाना और मैं फ्लाइट से जाऊंगा। फिर इस लड़की का क्या? इसे तो देवयानी संभाल लेगी। बॉल ट्रेस के हिसाब से वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया के गोडाउन के आसपास है। अगर वो फोन उठाता है तो सही जगह का पता चल जाएगा। हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। वहां जाएंगे? अभी निकले ना तो भी आधी रात को पहुंचेंगे। हाँ। तब तक तो वो देश छोड़कर जा चुका होगा। हेलीकॉप्टर से जाएंगे। हेलीकॉप्टर? भाड़ा कौन देगा उसका? है? बैंक के लुटेरे फ्लाइट और शिप इस्तेमाल करते हैं तो हम पुलिस वाले हेलीकॉप्टर नहीं ले जा सकते। हमें एयरपोर्ट में कौन घुसाएगा? एक आदमी है। वो कौन? आपका दामाद, वो पायलट है। इसकी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है। मारो जमाई। पायलट छे। लेकिन अगर वो नहीं माना तो? मैं बात करूंगा। चाटा मार कर बात करोगे? भीख मांग लूंगा, जरूरत पड़ी तो पैर पड़ लूंगा। मुझे मारा तूने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं। वैसे घर चलोगे तो मेरी बेटी मरम पट्टी कर देगी। ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारी बेटी को। हो गई तसल्ली, लाखों में एक जमाई मिला था, तोड़वा देना शादी। इसकी औकात ही क्या है? ये हेलीकॉप्टर का ओनर है क्या? है तो ड्राइवर ही। बस बहुत हुआ, तारू मोडू बंद रख। जानेंगे कैसे? इतना पैसा तो किसी कंटेनर में जाए। पर यहाँ तो 3 कंटेनर हैं। इन तीनों में से पैसा किस में होगा? सिंपल है सर, पैसा काफी, वजन भी ज्यादा होगा, कंटेनर के टायर दबे होंगे। ऑरेंज वाले कंटेनर में हो सकता है। वो कहाँ जा रहे हैं उस पर नजर रखिए, एक बार हम उतर जाएं फिर बताता हूँ। लेकिन तुम्हारी बहन उनके कब्जे में है। सर पैसा पोर्ट पहुँचने तक वो मेरी बहन को कुछ नहीं करेंगे। पायलट डाउन। जोर सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो रवि। ऑरेंज कंटेनर का पीछा कीजिए। देखिए किस तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। ड्राइवर कौन? धनुष कोटी। धनुष कोटी? तब तो पैसा उसी में होना चाहिए, छोड़िएगा मत। उसे पोर्ट जाने से तुम रोकोगे कैसे? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। हेलो, कहाँ है तू? बीच रास्ते में हूँ। एग्जैक्टली कहाँ पर है? गाड़ी बंद पड़ गई है, सेंट अल्फांसो स्कूल के बाहर हूँ। मेरी बात सुन, जल्दी से जा, सेंट अल्फांसो स्कूल की फाइनल बेल बजा दे। पर क्यों? जैसा कहता हूँ वैसा कर। ऑरेंज कलर का कंटेनर पहुँच गया? हाँ पहुँच गया है। बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड ब्लॉक है और ट्रक भी रुक गया। अब? अभी वो घुमा रहा है। लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है? राइट राइट में जा रहा है। एमजी रोड की तरफ जा रहा है। वहाँ पर अपना कोई दोस्त है? अरे पिंटू होगा ना, पिंटू वहाँ पर कार रिपेयर करवा रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे मोहम्मद के गैरेज पर मिला था। हेलो, सुन तेरे सामने कौन है? अरे मेरे सामने तो मोहम्मद पहलवान है। और तू क्या कर रहा है? चाय पी रहा हूँ। चाय उसके ऊपर फेंक दे। पागल हो गया क्या? मोहम्मद पर चाय फेंक। मेरे ऊपर चाय फेंकी? सर यहाँ
यहाँ पर लोग चाय से लड़ रहे हैं, बहुत भीड़ जमा हो गई, मैं अकेला नहीं संभाल सकता, और फोर्स भेजिए फौरन। वो ट्रक लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है? ट्रक लेकर राइट में जा रहा है। श्योर? हाँ। अगला गाना फिरोज की तरफ से नीलोपर के लिए। वो बहुत तेजी से जा रहा है रवि, 10 मिनट में वो फ्लाई ओवर पर पहुँच जाएगा और वहाँ से वो बिना रुके पोर्ट चला जाएगा। रवि अब क्या करें? उसे रोकता हूँ। क्या पूरा टाइम रेडियो मिर्ची सुनता रहता है? रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते तक रहने दे, मुझे रेडियो मिर्ची पसंद है। यस। कहाँ है तू? स्टूडियो में हूँ। ट्रैफिक अपडेट में बोल दे कि पोर्ट वाले फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जाम है। पर वो रोड तो खाली है। तू कभी झूठ नहीं बोलता क्या? मिर्ची लिसनर्स की ट्रैफिक अपडेट, पोर्ट को जाने वाले फ्लाईओवर पर हैवी ट्रैफिक है, तो अगर आप उस रास्ते से जाएंगे तो आप फंस सकते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए लेट हो सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अगला गाना सिर्फ 98.3। ये तो कंटेनर राइट में घुमा रहा है। तुम उसे कहां ले जा रहे हो? उसे उसकी सही मंजिल पर पहुंचा रहा हूं। स्टीयरिंग तो उसके हाथ में, मगर ड्राइविंग मैं कर रहा हूं। चल राइट ले ले, फिर से राइट। पहुंच गए क्या? ये तो वहीं पहुंच गया जहां से इसने पैसे चुराए थे। तेरे चुराए 1500 करोड़ में से एक भी पैसा तू नहीं ले जा सकता। अब तू रुक, मैं आया। रवि, अब कहाँ जा रहे हो? बिट्टू अब पोर्ट की तरफ जाएगा ना, वहीं दी एंड करूंगा उसका। रवि, मैं पोर्ट चलो। ये ऑटो नहीं है कि कहीं पर भी मोड़ दो। चलो बेटो, तुम्हारा आदमी नहीं आया। धनुष कोटि, मैं पहुंच रहा हूं। ध्यान से।
से नीचे उतारा तो मैं उसका फैन हूँ, वो हमेशा टॉप पर ही रहेगा। अरे स्लो 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 स्लो, अब आजा 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 आजा, कूल कूल कूल, आराम से, शाबाश शाबाश शाबाश, आजा थोड़ा सा थोड़ा सा। अबे जल्दी करना, आपका हाथ छोड़ूंगा नहीं, पकड़ लिया। थैंक यू, मारेगा पूछे, इंसान की जिंदगी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हमारे जैसे लोग लड़ते नहीं, बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। We will sit and talk. इस साले को मार दो। अरे बाबा माफ करो, जो मन में आए वो करो, मैं तो चला, मैं जा रहा हूँ। मार डाला, जब मुझसे बात करनी थी तो गोली क्यों चलाई? दर्द हुआ? देखो जाने दो। हाँ? मुझे जाने दो, तुम्हारी बहन का है मैं बताता हूँ। मत बता। हाँ? कोई जरूरत नहीं है। ए, 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 मुझे गुस्सा मत पिला, अता माझी सटक ली। आज की शाम इस शहर की जैसे ही पहली लाइट चलेगी, तेरी बहन मार दी जाएगी। मरवा दे। ए, पागल हो गया तू? मैं झूठ नहीं बोला। तू उसे मारेगा, मार उसे, मार, चल मार ना। ए, क्या? जिसने भाई को है, उसे गुस्सा होने का हक भी नहीं है क्या? वो तेरी बहन है। फर्क नहीं पड़ता। ए, वो तेरी सौतेली बहन है। नहीं, मैं थोड़ा येड़ा हूँ, मेरी सटक गई तो सामने वाले को नहीं छोड़ता। पकड़ लिया ऑफिसर, मुझे इसे बचाओ। घबरा तो नहीं हुआ अभी क्यों? मुझे बचा लो ऑफिसर, ये मार देगा मुझे अरेस्ट भी। अरे रे, हथकड़ी लाना तो भूल ही गया। कच्चे का नाड़ा भी चलेगा, मैं नहीं भागूंगा। इस कचरे को जेल में संभाल के रखने का क्या फायदा है सर? पहले इसे कपड़े दो, इतवार को ऑमलेट दो, बुधवार को बिरयानी दो, गवर्नमेंट के खर्चे पर ऐश करेगा। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ सर। मारना मत वरना फंस जाओगे। बॉडी मिलेगी तो फंसूंगा ना सर, मछलियां खा जाएंगी, हमारे अलावा किसे पता चलेगा? मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। एक गोली दो आदमी, बहुत नाइंसाफी है। घबराइए मत सर, आपकी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। अरे एक नंबर का पैर है, कुत्ता है सर। किसे बोला तूने? अरे इस कमीने को मारने पर तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा, छोड़ दो इसे। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे बड़े बेटे जैसे हो, मेरी बात मानो, छोड़ दो इसे, फेंक दो ये गन। इस कमीने के लिए रूल्स नहीं है, शरीफ लोगों के लिए रूल्स बनाए। शांत हो जाओ रवि। रवि झुक जा। बिट्टू, अब आपको मेडल मिलेगा सर। मेडल मिले या ना मिले, अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तुम्हें मार देता। ऐसा नहीं होता सर, उसकी गन में गोली भी तो होनी चाहिए ना। इसका मतलब वो गन खाली थी। खाली गन फेंक कर ड्रामा कर रहे थे? तो क्या मैं इसे मार कर जेल चला जाता? सोच भी कैसे सकते हैं। अब कहाँ? बहन को बचा। एक
उनकी आवाज से कहें वो तुम्हारी बहन को नुकसान न पहुंचाए। घबराइए मत सर, वो गूंगी बहरी है। लड़की के बदले मेरा हाथ क्यों थाम लिया? एक खूबसूरत जवान लड़की और इस बुड्ढे के हाथ में कोई फर्क नहीं क्या? क्या भैया? ऐसे क्यों किया? अरे एक तो तुम्हारी जान बचाओ, ऊपर से तुम इतनी देर से क्यों आए? रवि, रवि, देखो देखो गोली मत चलाना। मैं एक छोटा था, नन्ना था, प्याला था बत्ता हूँ, और वो रवि बड़ा बदमाश है। रवि, रवि, मूंगफली खा लिया, हाथ में रखिए। वाइडा आ कहीं तने सिंग दाना खावानो टाइम लागे छे। मूंगफली उसके मुंह पर मारिए। ठीक है, गन वाला हाथ पकड़िए। ये तो बहुत स्ट्रांग है रे, का मारिए ना। अब खड़े क्यों हैं? अब मुझे जरा ये बताओ कि तुमने ज्योतिष कहाँ पढ़ी है? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बहन यही होगी? बिट्टू ने ही तो बताया था। आज की शाम इस शहर की जैसे ही पहली लाइट जलेगी तेरी बहन मार दी जाएगी। इस शहर की शाम की पहली लाइट है लाइट हाउस। इतनी टेंशन में भी तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? एग्जाम के सवाल का जवाब तो हर कोई देता है, लेकिन असली हीरो वो है जो जिंदगी के जवाब दे। रवि बेटा, आज इंटरव्यू है। सैलरी कितनी होगी? शायद 25,000। उस हिसाब से 1,00,000 कब तक कमा लोगे? 4 महीने में। और 2 घंटों में 1,00,000 कमाने पर क्या होगा? प्रॉब्लम होगी बाबा। होमवर्क अच्छा, अब जाओ। 5,000 के लिए थैंक्स, और देखना 1 घंटे में 50,000 बना के लाऊंगा। 5,000 मिल गए? ये देखो, ये पैसे नहीं सांप है, छोड़ दो, इन्हें काट खाएंगे। हाँ? मेरी मानो, इन्हें वापस कर दो। 100 रुपए लेकर शाम को पिक्चर देख लेना, ऐश करो। और हमारी कहानी का हीरो लप्पू झरना सारा पैसा लोगों में बांट कर अपने घर लौट आया और फिर से बस की लाइन में खड़ा हो गया। इसके आगे की कहानी हमारे अगले भाग में सुनिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।